तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में कैसे बना सकते हो इजीएस्ट रेड फार्म। बहुत ज्यादा इजी और सिंपल होने वाला है हमारे वाला रेड फार्म। बट अगर आप लोगों ने इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया तो जो आपका रेड फार्म है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस फार्म को किसी प्लेन एरिया में बनाना, नहीं तो अगर आप लोग इस फार्म को किसी पहाड़ वाले एरिया के पास बनाते हो तो आपका जो फार्म है यानी कि उधर जो पिलेजर आने वाले वो सारे के सारे सिर्फ पहाड़ पे जाएंगे, ना कि आपके फार्म के पास आएंगे। वैसे गाइस हमें अपने फार्म को बनाने के लिए इन सभी रिसोर्सेज की जरूरत है। तो सबसे पहले जो आपको चीज चाहिए वो है प्लेटिंग टेबल, फिर आपको चाहिए बेड, फिर आपको चाहिए कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिर साइन बोर्ड, वाटर बकेट, लावा बकेट, स्लैब और फिर चेस्ट, हॉपर और फिर सोल, कैंप फायर, फिर पैल, फिर आपका एक विलेजर चाहिए। आप लोग इस विलेजर को किसी भी विलेज से ले आना या फिर कहीं से भी आप लोग कर लेना यार जुगाड़। और हाँ, फिर आखिरी चीज जो हमें चाहिए वो है हमारी लैडर्स। तो गाइस सबसे पहले तो आपको इधर इस 8x6 का कुछ एक रेक्टेंगल जैसा कुछ बना लेना है, जैसे ही मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप लोग बनाना। तो गाइस जब आप लोग बना लोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको इधर करना क्या है, सबसे पहले तो यार मैं इधर चेस्ट रख लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले आपको इधर 4 ब्लॉक यानी कि एक ब्लॉक आपको छोड़ देना है, जहाँ से आप लोगों ने 8 ब्लॉक को खोदना स्टार्ट किया था वहीं से आप लोगों को एक ब्लॉक को छोड़ देना है। तो जब आप लोग दो दो ब्लॉक कुछ इस तरीके से खोद दोगे, फिर आपको नीचे की साइड 3 ब्लॉक डिक करना है जैसे ही मैं कर रहा हूँ। फिर आपको ऐसी तीनों को साइड को ऐसे ही डिक करना है जैसे ही मैं कर रहा हूँ। 3 ब्लॉक आपको नीचे की साइड डिक करना है। फिर आप लोग करना क्या, नीचे जाना, फिर यहाँ पे आप लोगों को एक बेड प्लेस कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को एक प्लेचिंग टेबल लगा देना कुछ इस तरीके से। फिर प्लेचिंग टेबल के ऊपर आप लोग चाहे तो इधर एक टॉर्च भी प्लेस कर सकते हो ताकि यहाँ पे कोई मॉब स्पॉन ना हो। तो सबसे पहले मैं एक टॉर्च ले लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो जब आप लोगों को इतना काम हो जाएगा, फिर आप लोगों को यहाँ पे एक विलेजर ले आना आप लोग किसी विलेज से बोर्ड के थ्रू। और यहाँ पे आप लोगों फिर उसके ऊपर एक अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को लगा देना है। और यहाँ पे फिर आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को वापस आके यहाँ पे आप लोगों को वाटर को प्लेस करना है दोनों साइड को, जैसे ही मैं कर रहा हूँ दोनों के दोनों कॉर्नर पे आप लोगों को वाटर प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। फिर आप लोग यहाँ पे वापस आना और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आपका दो दो ब्लॉक यानी कि दो ब्लॉक आपका बच जाएगा। फिर आप लोगों को इधर करना क्या है, एक ब्लॉक छोड़ करके फिर यहाँ पे आप लोगों को अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को लगाने दो दो ब्लॉक कुछ इस तरीके से। फिर ऐसे ही आप लोगों को पूरी रो बना लेनी है। फिर आपको सामने की साइड आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी आपका एक ब्लॉक बच जाएगा, तो आप लोग यहाँ से भी एक ब्लॉक अपना छोड़ देना। फिर आप लोग इधर करना क्या है, एक टेम्परेरी ब्लॉक इधर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने साइन बोर्ड लगाने कुछ इस तरीके से। आप लोग देख लो कैसे कैसे आप लोगों को साइन बोर्ड लगाना है, वैसे ही आप लोग लगाना जैसा ही मैं लगा रहा हूँ इस वक्त। फिर गाइस जब आप लोगों का इतना काम हो जाएगा, अगर आप लोग पॉकेट एडिशन प्लेयर हो तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे करके एक बैट की जगह बना लेना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को अपने साइन बोर्ड को लगाना है कुछ इस तरीके से, जैसा ही मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आप लोगों का साइन बोर्ड इधर लग पाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने टेम्परेरी ब्लॉक्स को तोड़ देना। फिर आप लोग अपने दूसरे वाले टेम्परेरी ब्लॉक्स के ऊपर चले जाना। फिर आप लोगों को यहाँ पे भी अपने साइन बोर्ड कुछ इस तरीके से लगाना है, ऐसे ही लगाना है जैसा ही मैं लगा रहा हूँ, नहीं तो तभी आपका जो फार्म है वो वर्क करने वाला है। और यहाँ पे आप लोगों को एक लावा अटकाने के लिए एक जगह जैसा कुछ बना लेना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को आना है वापस से, और यहाँ पे आप लोगों के ऊपर के साइड जहाँ पे आप लोगों ने साइन बोर्ड नहीं लगाया वहाँ पे आप लोगों को अपने लावा को प्लेस कर देना है। उसके बाद आप लोग अपने टेम्परेरी ब्लॉक्स को भी तोड़ देना। उसके बाद आपका फार्म कुछ इस तरीके से देखना चालू हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों को इधर अपने स्लैब्स को लगा देना कुछ इस तरीके से ताकि ऊपर कोई भी मॉब ना जा पाए। उसके बाद फिर आपको अपने लावा के पास आना है। फिर यहाँ से आप लोगों को नीचे के साइड 27 ब्लॉक डिक करना है कुछ इस तरीके से, जैसा ही मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को 27 ब्लॉक नीचे जाना है। उसके बाद जब आपका इतना काम हो जाएगा, फिर आप लोगों को दूसरे साइड भी ऐसे ही करना है, 27 ब्लॉक नीचे जाना है कुछ इस तरीके से, जैसा ही मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जब आप लोग 27 ब्लॉक खोद दोगे, फिर यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से आप लोगों को अपने छोटे से रहने के लिए एक छोटा सा रूम बना लेना है, जैसा ही मैं बना रहा हूँ वैसे आप लोग बना लेना। बस छोटा सा रूम बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना आप लोगों को इधर। तो जब आप लोगों को इतना काम हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप लोगों को टॉर्च भी प्लेस कर देना ताकि यहाँ पे कोई मॉब स्पॉन ना हो सके। फिर आप लोगों को यहाँ पे डबल चेस्ट कुछ इस तरीके से लगाना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, चेस्ट के पीछे आकर के हॉपर को आप लोगों को लेना है। फिर यहाँ पे हॉपर को आप लोगों को लगाना है, हॉपर आपका सिर्फ बैटरी लग सकता है। जब आप लोगों का एक हॉपर चेस्ट से कनेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप लोग दूसरे हॉपर को दूसरे वाले हॉपर से कनेक्ट करवा देना। फिर आप लोग अपने हॉपर के ऊपर अपने सोल कैंप फायर को लगा देना, और सोल कैंप फायर के बजाय आप लोग अपने नॉर्मल कैंप फायर को भी लगा सकते हैं। और फिर आप लोग उसके आगे दो ब्लॉक कुछ तरीके से लगा देना अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को। जब आप लोगों का इतना काम हो जाएगा, फिर यहाँ से आप लोगों को अपने लिए मतलब कि अपने निकलने के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक जगह बनानी है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं बना रहा हूँ।
और फिर यहाँ से आप लोग अपने निकलने के लिए कुछ इस तरीके से लैडर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसा ही मैंने यूज किया है। तो इधर मैंने सारे के सारे लैडर्स लगा दिए और यहाँ पे आप लोगों का जो फार्म था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे आप लोग अपने लैडर्स के ऊपर लगा देना एक ट्रैपडोर को, ताकि यहाँ से कोई भी नीचे ऊपर ना कर सके। गाइस आप लोगों को एक और चीज यहाँ पे नीचे ध्यान देनी है, आप लोगों को यहाँ पे बैल भी लगाना है। फिर यहाँ पे अब मैं आ चुका हूँ एक रेड कराने के लिए अपने विलेज के पास, यानी कि अपने फार्म के पास। अभी वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे भाई इनका लीडर मुझे दिख चुका है, तो भाई मैं इसको मारता हूँ। पे मुझे इफेक्ट मिल चुका है, जिससे मैं अपने फार्म के पास रेड करा सकूंगा। अब यहाँ पे मैं अपने फार्म के पास फटाफट से चलता हूँ। यहाँ पे भाई देख सकते हो रेड स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं चलता हूँ अपने चेंबर के अंदर, यानी कि अपने छोटे से हाउस के अंदर। यहाँ से पहले मैं इसके ऊपर से ही आप लोग ट्रैपडोर भी बंद कर देना, ताकि नीचे कोई भी लेजर ना सके। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर एएफके रहता हूँ। तो भाई यहाँ पे मुझे एएफके रहे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया, और यहाँ पे मैंने दो तीन रेड और भी ज्यादा करवा ली है। और यहाँ पे देख सकते हो यार एक विच भी आ चुकी है नीचे, तो पहले मैं इसको मार देता हूँ, क्योंकि इसने शायद से हीलिंग पोशन मार लिया होगा अपने ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले मैं, और ये जो आपका फार्म है एक तरीके से एक्सपी का भी काम करने वाला है पूरा। मैं यहाँ से बाकी बची बची भी एक्सपी बाद में कलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं चेस्ट ओपन करके देखता हूँ, और यहाँ पे भाई देख सकते हो कितना सारा सामान आ चुका है यहाँ पे सिर्फ दो रेड्स में। यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा सामान आ चुका है इधर मेरे पास। बाकी फिलहाल आज की वीडियो में इतने ही रहते हैं। बाकी आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। यार हम लोग 100 सब्सक्राइबर पे बहुत ज्यादा क्लोज है, तो मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है आप लोग जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर करा दोगे। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, बाय बाय।